हेलो दोस्तों, तो एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है डी ए पी टेक में। आपको बहुत शोर सुनाई दे रहा होगा, मेरा कूलर चल रहा है क्योंकि यहाँ गर्मी है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 ऐप्स जो कि आपके पास ज़रूर होने चाहिए। अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत वाली तो बात है नहीं, पर मैं फिर भी आपको बताऊँगा। तो चलिए जल्दी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला ऐप है नाइट स्क्रीन, तो इसे आप यूज़ कर सकते हैं रात में। तो जैसे कि आप कई फ़ोनों में एंड्रॉयडों में ब्राइटनेस के ऑप्शन काफ़ी लिमिटेड होते हैं, तो रात को अगर आप फ़ोन यूज़ करते हैं तो आपके आंखों पर जोर पड़ सकता है, और नाइट स्क्रीन इसी के लिए बना है। आप जैसे ही इस ऐप को खोलेंगे आपको ऐसा पैनल दिखेगा जिसमें आपको 100 पे दिखेगी आपकी ब्राइटनेस स्क्रीन। आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं जितना आपको सूट करता है। तो अब बढ़ते हैं अगले ऐप की तरफ। तो ये जो अगला ऐप है ये आपको 50 GB फ्री स्टोरेज देता है, तो काफ़ी फ़ायदे का सौदा है फ्री में। तो इस ऐप का नाम है मेगा। तो इसमें आपको शुरू शुरू में लॉगिन करना होता है, तो ये आपको 50 GB फ्री क्लाउड स्पेस देता है। आप इस पर अपनी चीज़ें अपलोड कर सकते हैं और किसी से शेयर करके कुछ डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने 5 फ़ोटोज़ अपलोड कर रखी हैं, ये कार की, कैप्टन अमेरिका की और कार वगैरह की हैं, और मैंने किसी से शेयर करी है गॉड ऑफ वार की। तो इसमें 9 पार्ट है, तो इससे आपको खैर ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पर ही 250 GB स्टोरेज बहुत होता है आज के टाइम में। तो अगर आपको कोई मेमोरी कार्ड ख़रीदेंगे 50 GB की, तो मेमोरी कार्ड होती नहीं है वैसे, 64 GB या फिर 32 GB आप ख़रीदेंगे तो आपको पड़ेगी महंगी, 200-300 या 500-600 तक तो पड़ ही जाएगी। तो उसके लिए काफ़ी अच्छा ऐप है मेगा का। और अब हम चलते हैं तीसरे ऐप की तरफ। तो तीसरा ऐप है कि आप ड्रॉइड लॉक। तो दोस्तों ये अभी फुल्ली फंक्शनल ऐप नहीं है और इसमें अभी कोई ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं, पर ये ऐप दोस्तों काफ़ी अच्छा है। इसमें आप, जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा होगा, आप लॉक लगा सकते हैं। तो इसमें आपको टाइम का ऑप्शन मिलता है कि आपको टाइम को लॉक लगाना है। जैसे कि मैंने टाइम ऑन कर रखा है, 12 आवर्स पे सेट कर रखा है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि आप टाइम सेट कर सकते हैं, डेट, बैटरी, गीक, एडवांस, यूटिलिटी, तो आप कुछ भी सेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। मैंने टाइम सेट कर रखा है जैसा कि आप देख सकते हैं, तो मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। अभी आप देखिए टाइम 8:35 हो, तो दोस्तों इससे आप टाइम को अपना पासवर्ड बना सकते हैं। और इससे अगला ऐप मैं आपको बताने वाला हूँ, एडवांस डाउनलोड मैनेजर। तो दोस्तों एडवांस डाउनलोड मैनेजर, जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा होगा, एक डाउनलोड मैनेजर है, और मेरे पास ये है क्योंकि काफ़ी बार मुझे काफ़ी चीज़ें डाउनलोड करनी होती है और सीधा किसी ब्राउज़र से या फिर किसी ऐप से काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप इसे खोलेंगे, प्लस के बटन पर ऐड करेंगे और यहाँ पर आपको उस फाइल की लिंक पेस्ट करनी होगी। तो मैंने लिंक पेस्ट कर दी है, ये नाम खुद ही जनरेट कर लेता है, बाकी सब कुछ खुद ही जनरेट कर लेता है ये, और ऐड करना है। तो इसके बाद ये ऐसा कुछ आपको दिखेगा, ये यहाँ पर रेड का मतलब है ये अभी पॉज्ड है, इस पर एक बार क्लिक करके आप इसे ऑन कर सकते हैं। दोस्तों इसमें एक फंक्शन मैं आपको दिखाना चाहूँगा, डाउनलोडिंग में आप जाके यहाँ पे स्मार्ट डाउनलोड ऑन कर सकते हैं, जिससे रिट्राइंग डाउनलोड या फिर कहें तो फेल डाउनलोड भी दोबारा स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर आपको एक फंक्शन मिलता है नंबर ऑफ़ डाउनलोड, तो इसे आप 3 तक बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर आपको नंबर ऑफ़ थ्रेड भी मिलता है। नंबर ऑफ़ थ्रेड का मतलब दोस्तों ये है, जैसे कि आपके पास 100 MB की फाइल है और आपने इसे 4 थ्रेड पर सेट कर रखा है, तो मतलब वो 100 MB की फाइल को 25-25 MB के पार्ट में करके 4 बार डाउनलोड करेगा। तो इससे दोस्तों होता ही है कि आपको डाउनलोडिंग में 25 MB का पार्ट रहता है, तो ज़्यादा उसके कटने या रिट्राई फेल होने का डर नहीं रहता। तो इससे काफ़ी फ़ायदा होता है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे को फ़िलहाल नहीं डाउनलोड करना है, मैंने बस ये एग्जांपल के लिए दिखाया आपको। और दोस्तों एंड का ऐप है, ये यूट्यूबर्स के लिए ऐप है और मेरे जैसे गरीब यूट्यूबर्स के लिए ऐप है ये, क्योंकि दोस्तों मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ और यहाँ पर लाइट का कुछ भरोसा नहीं है, और जब लाइट का कुछ भरोसा नहीं रहता तो मुझे वीडियो काफ़ी अपलोड करनी होती है, और मैं हमेशा PC यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि लाइट यहाँ नहीं रहती है जैसा कि मैंने बताया। तो मैं इसी ऐप से, वैसे तो आप वीडियो YouTube के ऑफिशियल ऐप से भी अपलोड कर सकते हैं, पर उसमें ज़्यादा फंक्शन आपको नहीं मिलती है, तो मैं इस ऐप से वीडियो अपलोड करता हूँ और इस ऐप से एडिट कर देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ से एडिट के फंक्शन पे जाता हूँ, मैं यहाँ नेम, थंबनेल,
डिस्क्रिप्शन, प्लेलिस्ट, टैग, प्राइवेसी, मोनेटाइजेशन, एडवांस सेटिंग, सब कुछ यूज़ कर सकता हूँ। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऐप है यूट्यूबर्स के लिए। तो थैंक यू दोस्तों आपको ये वीडियो देखने के लिए। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मिलेंगे अगली वीडियो में। और दोस्तों मैं आपको एक और बार बताना चाहूँगा कि मेरी हार्ट सर्जरी है, तो मैं कुछ दिन तक वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगा। मैं जल्दी जल्दी रिकवर करके वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। एक बार आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।